कहाँ गई थी आप? आज आप फिर गुलजारी खाला की तरफ गई थी ना? ज्यादा उल्टी सीधे सवालत ना करो, और हाँ शाम को अच्छी तरह तैयार हो जाना। नहीं अम्मी, मैं अब मजीद तमाशा नहीं बनूंगी। मना करवा दीजिए आप गुलजारी खाला को। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? यही समझ लीजिए। अम्मी आपने कभी सोचा है मेरे दिल पर क्या बीतती होगी जब लोग मुझे देखकर ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे मैं कोई खौफनाक जानवर हूँ? एहसास है मुझे बेटी, अच्छी तरह एहसास है। अगर एहसास है तो भूल जाए मेरी शादी को। कैसे भूल जाऊं बेटा, तुम्हारे मरहूम बाप की वसीयत थी। मैं नहीं भूल सकती बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक माँ की ना सही लेकिन मजबूर बेवा की मजबूरी समझ लो, जिसने अपने शौहर से वादा किया था कि पहले आरफ कि दूसरी बेटियों का बेटा। अम्मी प्लीज, ठीक है कर ले आप अपनी मनमानी, लेकिन ये आपकी आखिरी कोशिश होगी, इसके बाद आप मुझे मजबूर नहीं करेंगी। सौतेली होती है भाईजान, और अपने जीते जी मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि पिंकी और बॉबी पर सौतेली माँ का साया भी पड़े। हाय निम्याल जी। हाय डैड। हाय स्वीटहार्ट। ये तुम दोनों ऐसा हुलिया बना के कहाँ जा रहे हो? डैड क्या हो गया आपको? आपको बताया तो था कि हमारा डांस कंपटीशन चल रहा है और आज हमारा ग्रैंड फिनाले है। अच्छा निम्या आंटी हमें देर हो रही है। ओके बाय बाय। देखा निम्मी तुमने, ये किस रंग में रंगते चले जा रहे हैं? भाईजान छोटी छोटी सी बातों का नोटिस ना लिया करें, बच्चे हैं जी लेने दें इन्हें अपनी जिंदगी। अगर मैं अंग्रेज होता ना तो इस रूप में देखकर सब्र कर जाता। निमी तुम्हें तो मालूम है कि मेरे ये बच्चे मेरी जान है, मैं खुद भी इन पे ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाना चाहता। बस तो फिर इत्मीनान रखें, आप हैं मैं हूं, और देखिएगा बड़े होकर ये बच्चे माशरे में मौजिज कहलाएंगे इंशाल्लाह। ओफो बाजी, तुम क्यों उन लोगों की बकवास को अपने दिल पे लेती हो? ये बकवास नहीं, एक ठोस हकीकत है जिसे अम्मी किसी सूरत तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। भला कौन अंधा मुझ जैसी 30 साल मामूली शक्ल सूरत की लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा? और बना भी लिया ना, सारी उम्र मुझे जूते लगाएगा जिससे मेरा जिस्म भी जख्मी होगा और रूह भी। फाखरा बेटा जरा बाहर जाना। बहुत ही घटिया सोच के लोग थे। अच्छा हुआ कि मेरा वहां पर रिश्ता नहीं हुआ। यही कहना चाहती है ना अम्मी, हकीकत को तस्लीम करना सीखें। देखो बेटा तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हारे लिए किसी अच्छे घर से रिश्ता जरूर आएगा, और मुझे यकीन है ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम्हारा ये यकीन मेरे उम्मीदों पे पानी नहीं फेर सकता। भाईजान
बच्चों का तो कुछ पता नहीं कब तक आएंगे, आप कब तक इंतजार करते रहेंगे? चलिए चलकर खाना खा लीजिए। नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लेते। हेलो जी, इंस्पेक्टर साहब। क्या शाबाश है, खूब नाम रोशन कर रहे हो तुम दोनों, सड़कों पे ये उछल। डैड, हम सिर्फ अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और कुछ नहीं। सुना तुमने अपनी भतीजी का जवाब? जी भाजन, मेरे ख्याल में इस वक्त रात बहुत हो चुकी है, क्यों ना हम इस टॉपिक पर सुबह डिस्कस करें। चलो बच्चों, जाओ अपने कमरे में। देखो, जिसे तुम टॉपिक कह रही हो वो बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए। और आपके पास इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल होगा, है ना? हाँ, क्योंकि अब पानी सर से गुजर चुका है। इससे पहले कि मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आपकी नजर में है कोई ऐसी लड़की जो इन बच्चों को सगी माँ से बढ़कर प्यार दे? हाँ, शकीला खातून की बड़ी बेटी, जिसे देखते ही तुमने बगैर सोचे समझे रद कर दिया था। माफ कीजिएगा भाजन, है वो लड़की इस काबिल जो देखने में आपके बच्चों की माँ लगे? मेरे बच्चों को अपनी औलाद समझे, यही मेरे लिए बहुत है। और शक्ल, शक्ल की क्या बात है, शक्ल तो तुम्हारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे पास रहने के बजाय अपने बाप के पास रहने को ज्यादा तरजीह दी। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? जिन लोगों ने मुझे देखते ही इनकार इम्तियाज ने नहीं, उसकी बहन ने किया था। मुझे गुलजारी ने बताई है ये बात। वो नहीं चाहती थी कि उनके भाई का घर दोबारा बसे, क्योंकि वो खुद तो अपना घर बर्बाद करके बैठी थी, तो भाई का घर कैसे बसने देती। लेकिन अम्मी, जिस अमीर घराने के हालात आप मुझे बता रही हैं, उससे तो यही जाहिर है कि वो शख्स मुझे नहीं बल्कि अपनी किसी मजबूरी को बहाना चाहता है। और जहां वो अपनी मजबूरी से बाहर आया, मैं उसके घर से बाहर होंगी। मैं वसूख से कहती हूँ कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? इसलिए बेटा, तुम्हें शायद अपने अब्बू का आखिरी वक्त याद ना हो, लेकिन उस वक्त भी उन्हें तुम्हारी ही फिक्र थी। और जब मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि पहले तुम और बाद में कोई और, तो उनकी वो आखिरी हिचकी मैंने भी सुनी थी और शायद तुमने भी सुनी हो। उस वक्त भी उनकी दुआएं सिर्फ तुम्हारे लिए थी, तुम्हारे लिए थी, तुम्हें ही दुआएं दे रहे थे बेटा। पिंकी, मुझे सफाई का मौका नहीं दोगी? देखिए बेटा, मैं यहाँ पर आपकी मम्मा की जगह लेने हरगिज नहीं आई, बल्कि मैं तो आपसे और बॉबी से दोस्ती करने आई हूँ। झूठ मत बोले, मुझे पता है आप यहाँ क्यों आई हैं और क्या करने आई हैं। सो प्लीज, फिजूल में हमारी फिक्र करना छोड़ दें। क्या क्या हुआ अम्मी को? तुम फौरन डॉक्टर एहसान को फोन करके बुलवाओ। मैंने सोचा था बच्चों से तुम्हारा तारुफ करा दूं, मगर वो दोनों सो चुके हैं।
अब रोने का क्या फायदा पिंकी बेटा? मगर डैड ने ऐसा क्यों किया? इसमें तुम्हारे डैड बेचारे का क्या कसूर है? ये सारा किया दौरा तुम्हारी उस नई मामा का है, मगर मैं भी उसे उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। मेरी मानो तो एक काम करो, अभी जाकर अपने डैड को सॉरी बोलो। देखो वो कितने प्यार से आए थे तुम्हें ले जाने के लिए, तुम्हारी नई मामा से मिलाने के लिए। वो मेरी मामा नहीं है, वो सिर्फ डैड की वाइफ है, सिर्फ उनकी वाइफ। आरफा, बच्चे मेरी कमजोरी है, और ये भी सच है कि मैंने उन्हीं की वजह से दूसरी शादी की है, ताकि तुम सगी और सौतेली का फर्क मिटाकर उनकी तालीम और तरबियत कर सको। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले, आप बेफिक्र रहें। थैंक यू। आओ आरफा, आओ, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, आओ बैठो। बेटा, तुम दोनों ने मामा को सलाम नहीं किया? कहाँ जा रहे हो तुम दो? बैठ के नाश्ता करो। मेरे ख्याल में भाजन बच्चों को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, मैं उनका नाश्ता उनके कमरे में लगवा देती हूँ। आप प्लीज़ रुकिए, बच्चे मेरी वजह से डिस्टर्ब है ना, आप मुझे मौका दीजिए उन्हें सेटल करने का। आरफा ठीक कह रही है निमी, तुम आराम से बैठ के नाश्ता करो, आरफा बच्चों को समझा देगी। मुझे सफाई का मौका नहीं दोगी? देखिए बेटा, मैं यहाँ पर आपकी मम्मा की जगह लेने हरगिज नहीं आई, बल्कि मैं तो आपसे और बॉबी से दोस्ती करने आई हूँ। झूठ मत बोले, मुझे पता है आप यहाँ क्यों आई हैं और क्या करने आई हैं। सो प्लीज फिजूल में हमारी फिक्र करना छोड़ दें, उठाइए ट्रे और जाए जाके डैड को बता दें पिंकी ने नाश्ते से मना कर दिया है। देखो आरफा, बच्चों के साथ तुम्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज तुम माइंड मत करो। जी मैं समझ सकती हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं और बॉबी निमी आंटी के साथ यूरोप जाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे साथ साथ हम दोनों भी अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। तो एक काम करें, आप दोनों ही चले जाएं। मुझे माफ करना आरफा, तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत था जब भी मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरे नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपने वही किया जो एक मोहब्बत करने वाली बहन करती है। तुम भाजान की जिंदगी में आ गई हो ना, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। बस किसी भी तरह तुम इन बिगड़े हुए बच्चों को सुधार दो, खास तौर पर पिंकी को, बहुत सीधी और बिगड़ी हुई है,
उसका जब मूड करता है गाड़ी लेती और बाहर चली जाती है। हेलो, क्या क्या हुआ मम्मी को? तुम फौरन डॉक्टर एहसान को फोन करके बुलवाओ, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ आरफा, सब खैरियत तो है ना? तुम परेशान क्यों हो? मेरी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तुम्हें तो इस वक्त उनके पास होना चाहिए ना। अब तुम एक काम करो, मैं ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवा देती हूँ, तुम चली जाओ। और हाँ, अगर पिंकी गाड़ी ले जाने की जिद करे तो साफ मना कर देना। लेकिन मुझे उनसे परमिशन तो लेना पड़ेगी। अरे इसमें परमिशन वाली क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं भजन को बता दूंगी। जी अच्छा। बॉबी, हम पेपर्स के बाद यहाँ नहीं रहेंगे। तो फिर कहाँ रहेंगे? इस्लामाबाद। हम नानू के घर जाएंगे। रोटी के तरसे हुए लोगों को जब पेट भर कर खाने को मिल जाता है ना, तो फिर उन्हें हरी हरी सूझने लगती है। ये आप किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी नई मम्मा चली है गाड़ी लेके मैके। अरे मैंने इतना कहा, बच्चों को हो सकता है पढ़ाई के सिलसिले में कहीं जाने की जरूरत पेश आए, मौसूफा उल्टा हुक्म सादिर कर गई कि बच्चों से कहो घर में बैठे। क्या ऐसा कहा उन्होंने? मैं भी देखती हूँ। बॉबी, तुम्हें कैसी लगी अपनी नई मामा? या ड्राइवर के साथ जा चुकी है। मैं डैड को फोन करती हूँ। अरे अरे, भाईजान को फोन करने की क्या जरूरत है? इसमें उन बेचारे का क्या कसूर है? ये तो अमीरी और गरीबी की जिद है जो हमेशा से चलती चली आ रही है। अब तो देखना यह है कि जिद किसकी पूरी होती है। और तुम्हारे भाई को घर से निकाल कर ही दम लेगी, उसके बाद फिर मुझे भी यहाँ से चलता कर देगी, तब कहीं जाकर ये अपने मकसद में कामयाब होगी। लेकिन मैं भी इसको कामयाब नहीं होने दूंगी। बस तुम एक काम करो, जैसा तुमसे मैं कहती हूँ तुम वैसा कर दीजो। समझ रही हो ना मेरी बात को? फिर देखना। औरत है ना, देख लेना, एक दिन तुम्हें और तुम्हारे भाई को घर से निकाल कर ही दम लेगी, उसके बाद फिर मुझे भी यहाँ से चलता कर देगी, तब कहीं जाकर ये अपने मकसद में कामयाब होगी। लेकिन मैं भी इसको कामयाब नहीं होने दूंगी। बस तुम एक काम करो, जैसा तुमसे मैं कहती हूँ तुम वैसा कर दीजो। समझ रही हो ना मेरी बात को? फिर देखना।
लेकिन निम्मी बाजी ने तो मुझे आपसे बात ही नहीं करने दी। वो तो मुझसे कह रही थी कि मैं खुद बता दूंगी भाईजान को। लेकिन मैं कौन सा तुमसे कोई शिकायत कर रहा हूं। खैर, मैं तो सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि पिंकी बहुत हसास है। वो दरअसल अपनी मां से बहुत टच थी, लिहाजा उसकी जिंदगी में जो खिला पैदा हो गया है उसको तो अब सिर्फ तुम नहीं पूरा करना है। अब मुझे अच्छी से एक चाय बना के पिला दो। अच्छा। और हाँ, आज हमारे एक दोस्त ने हम दोनों को डिनर पे बुलाया, तैयार रहना। पिंकी, कहाँ जा रही हो बेटा? एनी प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। मैंने सोचा अगर आपके पापा पूछे तो मैं क्या बोलूँ, कहाँ गई आप? मेरा नहीं ख्याल है कि आपके होते हुए डैड को अब हमारी कोई फिक्र होगी। सो प्लीज अपनी लव स्टोरी में से ना मुझे और बॉबी को माइनस कर दे, नहीं तो बस नानू, अब मैं और बॉबी मजीद यहाँ नहीं रह सकते। या तो आप हमें इस्लामाबाद बुलवा लें या फिर नहीं नानू, बस ठीक है तो फिर आप ही डैड से बात कर लें। क्या कहा पुप्पी जान ने? नानू कह रही थी कि पहले वो डैड से बात करेंगे। तुम्हारे डैडी कभी नहीं मानेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अरे निम्मी बाजी, आप इतनी देर तक जाग रही हैं? जागना पड़ रहा है। अच्छा, मैं चेंज कर कर आती हूँ, फिर पूछती हूँ आपसे आपके जागने की वजह। क्यों जागना पड़ रहा है तुम्हें भाईजान? बच्चों पर थोड़ी तवज्जो दीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं पानी सर से गुजर जाए। आपको पता है बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि फूफी जान का फोन आया था, मगर क्यों? भाजान, इस क्यों का जवाब आपके सामने है। आपको दूसरी शादी करनी थी जरूर करते, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद अब इस माहौल में बच्चे कैसे पढ़ लिख सकते हैं जहां उनको बात बात पर रोका जाता हो, टोका जाता हो। भाजान प्लीज समझने की कोशिश करें, सोतेली सोतेली ही होती है। क्यों टोकती है बच्चों को? भाजान मैं कुछ कहूंगी तो वो शिकायत कहलाएगी। इस सवाल का जवाब तो आपको बच्चे खुद ही देंगे। आपको इस तरह सोचता देखकर कम से कम ये तसल्ली तो हुई मुझे कि अभी भी आप बच्चों की तरफ से पूरी तरह गाफिल नहीं हुए। संभाल लीजिए भाजन, नहीं तो आपके दोनों मोती बिखर कर रह जाएंगे।
बात है आरफा, बहुत खुश नजर आ रही है। कहीं हाजान ने ये बंगला तुम्हारे नाम तो नहीं कर दिया? अरे नहीं बाजी, मुझे इस बंगले की क्या जरूरत है, और वैसे भी ये सारी जायदाद तो पिंकी और बॉबी की है ना, मुझे इसमें हकदार बनने का कोई शौक नहीं है। वो सच, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने भाईजान को बताया? आप बता दीजिए ना। पिंकी बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहे, क्या बात करनी है? वो मुझे पूछना ये है कि अगर इस घर में आपका कोई छोटा बहन या भाई आ जाए तो आप मेरी बात समझ रही हैं ना? सब समझ आता है मुझे, आप बोलती जाएं। बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका कोई छोटा बहन या भाई आने वाला है, देखें मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, आप आने वाले को इस घर में मत लेकर आइए, बल्कि किसी यतीम खाने में दे आइएगा। क्या मतलब? भला बाप के होते हुए कोई बच्चा यतीम होता है? क्यों नहीं होते यतीम? हम नहीं हुए अपने डैड के होते हुए यतीम, तो फिर वो क्यों नहीं? इम्तियाज, आप मेरा यकीन जानिए, मैं तो बस बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारी मौजूदगी में पिंकी वापस नहीं आना चाहती, लिहाजा तुम वापस अपनी मां के घर जाने की तैयारी करो। अब तुम मेरे निकाह में रहती हो या नहीं, इसका फैसला मैं बाद में करूंगा। तुम नफरत की दलदल में इतना धस गई हो कि तुमने अपने बाप को जीते जी मार दिया? आपने मुझे मारा, मुझे आज तक मेरे बाप ने नहीं मारा, ना ही मेरी मां, मेरी पिंकी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? आज इस औरत ने मुझ पे हाथ उठाया नहीं मियां आंटी, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, और उस वक्त तक इस घर में नहीं आऊंगी जब तक मेरी ये सौतेली माँ इस घर में। पिंकी, पिंकी मेरी बात तो सुनो, पिंकी। हेलो, क्या पिंकी का एक्सीडेंट? कौन से अस्पताल में? मैं पहुंच रहा हूं। पिंकी कैसी है? इम्तियाज प्लीज बताइए ना, पिंकी कैसी है? क्या बताऊं मैं तुम्हें, पिंकी की जिंदगी में अंधेरा हो चुका है,
उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, वो अंधी हो गई है, अंधी। और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। ना तुम उस पर हाथ उठाती, ना आज ये नौबत आती। इम्तियाज, आप मेरा यकीन जानिए, मैं तुम्हें बस बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारी मौजूदगी में पिंकी वापस नहीं आना चाहती, लिहाजा तुम वापस अपनी मां के घर जाने की तैयारी करो। अब तुम मेरे निकाह में रहती हो या नहीं, इसका फैसला मैं बाद में करूंगा। और ड्राइवर से मैंने कह दिया है, वो तुम्हें तुम्हारे घर छुड़ाएगा। दोबारा से देखने लगे। एक ही हल है इम्तियाज साहब, कि कोई अपना कॉर्निया डोनेट कर दे। आपकी नजर में अगर कोई ऐसा शख्स हो तो आप उससे बात कर लीजिए, मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूं। फिलहाल तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी दुनिया में अंधेरा करके और दूसरों की जिंदगी में उजाला कर दे। मेरा ख्याल है इम्तियाज साहब, आप हर अखबारात और हर चैनल्स पे इश्तहारात दे दें, शायद कोई नेक बंदा मिल जाए। उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है, वो अंधी हो गई है, अंधी। और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। ना तुम उस पर हाथ उठाती, ना आज ये नौबत आती। इम्तियाज, आप मेरा यकीन जानिए, मैं तुम्हें बस बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारी मौजूदगी में पिंकी वापस नहीं आना चाहती, लिहाजा तुम वापस अपनी मां के घर जाने की तैयारी करो। अब तुम मेरे निकाह में रहती हो या नहीं, इसका फैसला मैं बाद में करूंगा। ऑपरेशन नहायत ही कामयाब हुआ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है डॉक्टर साहब, ये तो सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। अरे नहीं इम्तियाज साहब, ये तो अल्लाह की रजा और उस डोनर का एहसान है। वैसे कल आप अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो डोनर कौन है और कितने बेटी हुई है, ताकि मैं चेक बना सकूँ, या मुझे उससे मिलवा दीजिए। इम्तियाज साहब, डोनर ने दो शरायत पर अपना कॉर्निया डोनेट किया था। एक तो उसने कहा था कि मेरा नाम राज में रखा जाए, और दूसरा ये कि इस रोशनी की कीमत अदा करने वाले को बता दिया जाए कि एक सौतेली माँ का तोहफा है अपनी बेटी के लिए। अल्फा, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया तुमने ऐसा? आपने ही तो कहा था ना कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें गुस्से में आके कह गया था। देख लीजिए, हमने तो आपके गुस्से को भी इज्जत बख्शी और ये मान लिया कि पिंकी की आंखें चली जाने की मैं ही जिम्मेदार हूँ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। ये कोई एहसान नहीं है, मैंने तो सगी और सौतेले का फर्क मिटाने की कोशिश की, और अगर मेरी इस कोशिश से ये फर्क मिट गया तो मैं समझूंगी मैंने घाटे का सौदा नहीं किया,
तुमने तो सगी से बढ़कर माँ का हक अदा किया आरता। क्या सगी क्या सोती है, माँ तो माँ होती है। यही सोचकर मैंने पिंकी की दुनिया रोशन कर दी। मुझे उसका सिला नहीं चाहिए। बेशक नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, उस घर को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लौट चलो अपने घर, जिसको तुमने अपनी आंखों से नहीं अपने होने से रोशन करना है। प्लीज मैं माफी चाहता हूं। जाओ बेटी जाओ, तुम्हें लकड़ी के इस कमजोर सहारे की नहीं बल्कि शौहर के मजबूत सहारे की जरूरत है।